My name is Dr. Naila, and I'm head of the tertiary care unit of Punjab Employee Social Security Institute. I would love to say and introduce myself that I'm a neuropsychiatrist, and I'm head of department of neurosciences and behavioral sciences. Right now we are a team of our Khalid Saab, who is the MS, and us and the medical specialist Amir Saab, and my co-associates, those are my clinical psychologist, which is Shahid Saab and Madam Ramas. Basically, I would love to start from the day in 2005 when it was a major earthquake and the nation went through the crisis. Jo puri duniya se hame AIDS aaye, and we tried to help the patients years after the earthquake. After that, in 2008, and then the incident of dengue appeared and the swine flu, and many patients showed up after the dengue. Terror was over. But it was somehow in the souls and minds of my patients. They kept on pouring, even today till 2018, they have been coming to me. Unluckily, it happened in China, and now it's a pandemic, which means puri duniya ko ye cover kar gaya hai. Because it was a global village, jo ke somehow theek nahi kaha ja sakta tha. A प्रॉपर एजेंडा जो हमें फॉलो कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वो ये है कि वो पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज जिनको कोरोना डायग्नोज हुआ है, कुछ लोग जिनको होने का डर है, और वो लोग जो होके निकल चुके हैं, उनके ऊपर इनके साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल इफेक्ट्स क्या हुए हैं, उनकी फैमिलीज किन किन चीजों से गुजरी हैं. So, उनके वो फियर्स और फोबियाज और एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स, उनको हम कहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बड़ी सादी जुबान में बताऊं कि बेचैनी होती है, एक अनजाना सा खौफ होता है मौत का, जो कि आजकल पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, जो सुपर पावर्स में फैला हुआ है, जो इवन मेरे में भी है. इवन मीन्स कि हर इंसान में है. ये मत सोचिए कि मैं बाप से बात कर रही हूं तो मुझे नहीं है, वल्ला मुझे है. मैंने अपना मास्क अभी उतारा है और सैनिटाइजर मेरे हार्टिंग पॉकेट्स में मौजूद होता है. मेरी इस वीडियो को अब तक कन्वे करने का पर्पज ये है कि वो पेशेंट्स जो इसको देख रहे हैं, वो लोग जिन तक ये रसाई हो रही है, प्लीज आप लोग हमसे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इसके नीचे होगा, आप हमसे रब्ता कीजिए. 24 घंटे हम आप पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, हम वीडियो कॉल्स पे अवेलेबल हैं, हम ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं. बिकॉज एज सच साइकाइट्री जो है वो, अनलेस इट इज अ वेरी स्पेसिफिक केस, हम ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्यू टू द फियर ऑफ कोरोना डिजीज, विच इज अ डेडली डिजीज. गॉड फॉरबिड इफ समबडी इज टेकन नॉट टेकन केयर ऑफ और एज गॉड विल्स. सो मेरा आपसे काइंडली सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आपको नींद नहीं आती, आपको अनजाना खौफ है, आपको जेन्युइन खौफ है, या आप क्वारंटाइन हो गए हैं 14 दिन के लिए, आप अपनी फैमिलियों से दूर हो गए हैं, तो आपके अंदर क्या बेचैनी है, हॉस्पिटल से भाग जाएं, कहीं निकल जाएं, लेकिन उसमें आप देख लें कि आप कितने लोगों को वल्नरेबल कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज को कितना ज्यादा डर है वो डिजीज होने का. सो जो भी आपके अंदर डर है, खौफ है, आपको त्रेलियां आती हैं, आपको पसीना आता है, आप घबरा जाते हैं, काइंडली मैं बताते हूँ, डॉक्टर नायला, शाहिद साहब, रोमैसा, हम सब अवेलेबल हैं, हम आपकी हेल्प के लिए, हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप प्लीज हमसे रब्ता कीजिए. वी कैन हेल्प यू कि आपका फियर कम हो जाए, खत्म हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए इंशाल्लाह, एंड यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ. हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें. मेरा ख्याल है कि मैं अपना मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो वेरी मच.